आज तारीख 8/11/2022। तो इस समय हम मगन संग्रहालय समिति द्वारा जो रसोई है यहाँ इनका खानावर चलती है यहाँ है। और ये देखिए मैं इनका यहाँ का बोर्ड दिखा रही हूँ, रसोई करके इस खानावर का नाम है। और ये देखिए रसोई प्राकृतिक आहार केंद्र भोजन, झुनका भाकर थाली, सादी थाली, स्पेशल थाली, पूरन पोड़ी, नाश्ता। तो इनके जो भी यहाँ पर मिलता है उसी का इन्होंने यहाँ पर होर्डिंग लगाई है, जो भी यहाँ पे खाना मिलता है उसी की होर्डिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो देखिए इनका गेट और खुद बहुत ही खूबसूरत कवेलू के, इससे कवेलू जिस तरह के रहते हैं वैसी ये हैं, झोपड़ी के आकार की सजावट और एकदम पारंपरिक तरीके से इन्होंने ये बनाया हुआ है। और अब हम यहाँ से यहाँ देखिए यहाँ पर भी यहाँ दीवारों पर लिखा है ताज़ा प्राकृतिक अनारस और उसका यहाँ पर चित्र बनाया हुआ है। तो यहाँ से हम एंट्री ले रहे हैं और यहाँ सभी लोग झुनका भाकर केंद्र में अपने अपने हिसाब से ऑर्डर देकर खाना खाते हैं। तो यहाँ लोग खाना खा रहे हैं और इनका ये रसोई काउंटर। तो यहाँ से सर्विंग होता है, यहाँ पर ऑर्डर उधर लिए जाते हैं और यहाँ से सर्विंग होता है। तो यही इनका काउंटर है, सर्विंग काउंटर। यहीं से थालियाँ सच के ग्राहक लोगों के पास, खाने वालों के पास में, जो ग्राहक आया उन्हीं के पास में सर्व की जा रही हैं। यहाँ बहुत ही खूबसूरत सा गार्डन। तो ये देखिए अलग अलग यहाँ पर छोटे छोटे पौधे हैं और बहुत ही खूबसूरत। तो यहाँ देखो बड़े बड़े यहाँ पर गंगाल टाइप की है, बहुत ही खूबसूरत इसका शेप है, आकार है। और इसमें यहाँ कमल के यहाँ कली नज़र आ रही है मुझे, कली कमल की। तो ये कमल के फूलों को यहाँ पानी में डाला गया है, इस गंगाल में पानी भरा हुआ है और यहाँ कमल की जो छोटे छोटे जड़े हैं वो लाकर डाली हुई है। और यहाँ कली दिखा नज़र आ रही हैं, कलियाँ ही कलियाँ हैं, शायद फूल खिलेंगे इसके। तो ये खूबसूरत से, बहुत ही खूबसूरत से एक ही शेप के देखिए कितने सुंदर यहाँ ये गंगाले हैं। और देखिए इनकी ये छोटी छोटी कुंडियों में छोटे छोटे पौधे, तो बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ बड़े बड़े झाड़ भी हैं। तो मैं ये बाहर से ही जो इनका गार्डनिंग का एरिया है वही दिखा रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ गुड़हल के फूलों का भी झाड़ है, जसवन जिसे कहा जाता है, और बहुत ही खूबसूरत है। पानी वाले जो जलपरी वगैरह है तो वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जो पानी में जो फूल बनकर आता है पत्तियों के द्वारा, तो उसे जलपरी कहा जाता है। तो ये